आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, यहां पे क्वेश्चन है, फॉर्मल्डिहाइड डिफर फ्रॉम एसिटाल्डिहाइड इन द रिएक्शन विद, ऑप्शन वन है हाइड्रोक्सिलामिन, देन सोडियम एंड अल्कोहल मिक्सचर, एंड देन है एसिड K2CR2O7, देन NH3 यानी कि अमोनिया। तो फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड इज द स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड, ओके, इट इज द स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड। यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्बन रहता है, एंड एसिटाल्डिहाइड इज यहाँ पे भी मतलब दो कार्बन रहता है, ओके, एसिटाल्डिहाइड में ये भी एक एल्डिहाइड है, यहाँ पे दो कार्बन रहता है। तो यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन क्या दिया गया है? हाइड्रोक्सिलामिन। बोथ विल गिव पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू द हाइड्रोक्सिलामिन। हाइड्रोक्सिलामिन क्या करता है? हाइड्रोक्सिलामिन में कोई भी कार्बोनिल ग्रुप ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है। हाइड्रोक्सिलामिन में ये जो NH2OH होता है, ये NH2 ऐसे यहाँ पे अटैक कर देता है, ओके, इसका लोन पेयर ऐसे यहाँ पे अटैक कर देता है एज ए न्यूक्लियोफिलिक। तो एडिशन हो जाता है फॉलोड बाय वाटर एलिमिनेशन। यहाँ से क्या फॉर्म होता है? यहाँ से फॉर्म होता है ऐसे NOH, और यहाँ पे फॉर्म होता है CH3CH डबल बॉन्ड NOH, ओके, यानी कि ऑक्सिम फॉर्म होता है दोनों में। तो बोथ विल गिव रिएक्शन विद दिस हाइड्रोक्सिल एमिन। दूसरा है सोडियम एंड अल्कोहल मिक्सचर। सोडियम एंड अल्कोहल मिक्सचर के साथ एल्डिहाइड कोई रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि एल्डिहाइड में कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो इसीलिए फॉर्मल्डिहाइड ना तो एसिटाल्डिहाइड कोई भी सोडियम एंड अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तीसरा जो है दैट इज K2CR2O7। K2CR2O7 क्या है? ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ओके, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा? एल्डिहाइड को, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड अगर है HCH, जो इसको ऑक्सीडाइज करके फॉर्मिक एसिड में चेंज कर देगा, ओके, और जो एसिटाल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके ये एसिडिक एसिड में चेंज कर देगा, ओके। तो इसीलिए हम कह सकते हैं K2CR2O7 के साथ दोनों ही रिएक्शन करेगा। ऑप्शन फोर है अमोनिया। डिफरेंस होगा अमोनिया के साथ रिएक्शन में। क्या होता है? जब फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है, ओके, फॉर्मल्डिहाइड अगर अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है, तो यहाँ पे क्या होता है? 6 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड चाहिए होता है हमें, एंड 4 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 या फिर अमोनिया होता है। तो ये फॉर्म करता है यूरोट्रोपिन, ओके, ये फॉर्म करता है यूरोट्रोपिन। इट इज N4 एंड साथ में फॉर्म होता है 6H2O, ओके, तो ये होता है यूरोट्रोपिन। ये मतलब एज एन एंटीसेप्टिक की तरह भी ये यूज होता है कुछ कुछ मतलब डिजीज में, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड फॉर्म करता है ये। बट एसिटाल्डिहाइड अगर हम देखेंगे, एसिटाल्डिहाइड में दूसरा मतलब मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। एसिटाल्डिहाइड में क्या होता है? यहाँ पे CH3CHO, इसके साथ जब हम अमोनिया देते हैं तो अमोनिया का एडिशन हो जाता है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे क्या हो जाता है? अमोनिया का एडिशन हो जाता है, यानी कि NH2 एडिशन हो जाता है, ओके, यहाँ पे ऐसे NH2 हो जाता है। तो एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होता है अमोनिया एडिशन का, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड में कोई एडिशन मतलब अमोनिया एडिशन नहीं होता, यहाँ पे ये यूरोट्रोपिन फॉर्म होता है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 4। अमोनिया से हम इन दोनों को अलग कर सकते हैं। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।